हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं, सर्दियों में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पराठे। इसके लिए मैंने इधर धनिया पत्ता, मिर्ची, प्याज ये सबको बारीक काट लिया है और इधर मैंने आटे के साथ थोड़ा हाफ एंड हाफ मैदा भी यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी एक भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब एक एक चीज़ को अच्छे से इसके साथ मिला लेते हैं, प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची एकदम बारीक कटी हुई। फिर ये है नमक, इसके साथ हम डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके साथ हम डालेंगे अजवाइन, इसको थोड़ा सा हाथ से रगड़ के घीस के डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये कसूरी मेथी, इसको भी क्रश करके डालेंगे, इसका भी स्मेल बहुत अच्छा आएगा। और ये रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मोइन के लिए, आपका पराठा क्रिस्पी भी बनेगा और खस्ता भी बनेगा, आपको उस हिसाब से डालना है। थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ जो पेट के लिए अच्छा रहता है। और ये है बॉयल आलू, इससे आपका पराठे सॉफ्ट बनेंगे। और इस सबको अच्छे से पहले से मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसको पानी से धीरे धीरे करके आटा का डो बनाएंगे। इसमें मैंने देखिए एक कटोरा पानी लिया था, इसमें से मैंने ये हाफ कटोरा करीब पानी यूज़ हुआ है, बाकी नहीं लगा मुझे इसको सॉफ्ट बनाने में। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, ये बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो, अदरवाइज ये फटने लगेंगे साइड से। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट में रख देते हैं और इसके बाद अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक लोई काट ली, उसमें से इसको गोल कर लेते हैं और फिर बेलेंगे। ये मैंने बेल लिया है पराठे को, अब गरम तवा में डाल देते हैं इसको। आप कभी इसको बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे सिर्फ अचार या सॉस या मेयोनीज या सिजवन चटनी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको आलू की सब्ज़ी भी इसके साथ चाहिए तो वो भी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ आप ऐसे ही खा सकते हैं, आपको कुछ नहीं लगेगा इसके साथ। इसको बनाइएगा ज़रूर एक बार, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। देखिए अब इसको सेकने के बाद मैंने सब तेल से इसको दोनों तरफ से उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। मेरा एक पराठा रेडी है, इसका जो एक्सेस ऑयल होगा उसको हमको कवर करना है, इसलिए हम क्या करेंगे एक और पराठे को अच्छे से बेल लेंगे और फिर इसी के ऊपर रख देंगे। तो क्या होगा, इसका जो एक्सेस तेल होगा वो दूसरे पराठा अपने ऊपर अपने टच हो जाएगा, अपने उसमें खींच लेगा और ये आपका पहला वाला पराठा ड्राई हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं खाएगा उसमें। देखिए ये जो नया हमने डाला उसमें पूरा तेल लग चुका है और ये वाला पूरा ड्राई हो गया आपका पराठा। चलिए अब ऐसे ही हम बाकी सबको भी बना लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है पराठे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग दिख रहे हैं। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे।